आपको एक टोमेटो प्यूरी बनाना सिखा रही हूँ, जो नाम से तो लग रहा है कि टोमेटो प्यूरी है तो उसमें कुछ करना नहीं होगा, लेकिन मेरी जो टोमेटो प्यूरी होती है वो बहुत ही ज्यादा टेस्टी होती है। और हाँ, सिर्फ आप एक बार उसको बना करके रख दें, 8 से 10 दिन वो बिल्कुल खराब नहीं होगी। आप उसको एयर टाइट कंटेनर में फ्रिज में रख सकते हैं बहुत आराम से। और अगर आप वर्किंग है तो आप संडे के दिन बना लें, और एक संडे से नेक्स्ट संडे तक वो बिल्कुल यूज हो जाएगी। उससे कुछ भी बन सकता है, कोई भी ग्रेवी वाली सब्जी बन सकती है, चाहे वो पनीर हो या फिर वो आलू की सब्जी हो या कोई भी सब्जी हो, इवन छोले राजमा, कुछ भी बन सकता है उससे। और आपको सिर्फ 10 मिनट लगेंगे उसके साथ बनाने में, इवन 10 भी ज्यादा बता दिए मैंने, 5 मिनट में आपकी वो सब्जी तैयार हो जाएगी अगर आपकी प्यूरी तैयार है तो। इवन सूखी सब्जियों में भी आप बैंगन का भरता, जैसे किसी को बहुत ज्यादा पसंद होता है तो बैंगन का भरता भी 5 मिनट में तैयार हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में। तो एक ऐसी मेरी छोटी सी कोशिश है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, अपनी टोमेटो प्यूरी। सिर्फ वो टोमेटो नहीं है, उसमें और भी चीजें हैं, तो वो आप वीडियो में देखें। चलिए शुरू करते हैं। तो इस प्यूरी को बनाने के लिए हमें चाहिए प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और लहसुन। प्याज और टमाटर बराबर बराबर क्वांटिटी में होना चाहिए। मैंने दोनों 6-6 पीस लिए हैं, और एक पूरी लहसुन ली है मैंने, और 2 हरी मिर्च ली हैं। जो लोग हरी मिर्च नहीं खाते हैं वो भी 2 डाल लें, या फिर चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ये पता नहीं चलती है। अब इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेंगे। तो मैं अभी पीस के आपको दिखाती हूँ। गाइस, मैंने ये सारी चीजें पीस ली हैं, बहुत अच्छे से पीस ली हैं। अभी पिस चुका है, अच्छा सा पेस्ट बन गया है। तो अब हम कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालकर इसको पकाएंगे। चलिए हमने सारा अपना पेस्ट डाल दिया है इसके अंदर। पहले ऑयल डाला था कढ़ाई में, फिर पेस्ट डाल दिया। अब इसे कम से कम 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे। मैं अब आपको दिखाती हूँ पकने के बाद। गाइस, मैंने अब इसको 15 से 20 मिनट पका लिया है बहुत अच्छे से, और आप लोग देख सकते हैं कि इसने कढ़ाई छोड़ना भी स्टार्ट कर दिया है, बिल्कुल कढ़ाई छोड़ दी है इसने। तो ये पूरी तरीके से पक चुका है। अब हमारा ये रेडी हो चुका है। अब हम इसको जब ठंडा हो जाएगा तो एयर टाइट कंटेनर में रख देंगे। और आप लोग देख रहे हैं कि इसकी क्वांटिटी भी काफी कम हो गई है, तो कोई बात नहीं, ये अच्छे से पक गया है इसलिए कम हो गई है। आपको कोई भी सब्जी वगैरह बनानी है तो आपको जस्ट 1 चम्मच यूज करना है उसके लिए, बस 1 चम्मच यूज करेंगे और आपका काम चल जाएगा। ये आपके आराम से 1 हफ्ते तक चल जाएगी। गाइज, आई होप आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी, मेरी एक छोटी सी कोशिश आपके काम आएगी। और प्लीज, अगर आपको ये अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, यूजफुल लगी हो और आपकी टाइम सेविंग लगी हो, तो प्लीज और प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और मैं अपनी ऐसे ही और रेसिपीज आपके साथ लाती रहूंगी और शेयर करती रहूंगी। तो एक लाइक तो बनता है ना मेरी रेसिपी के लिए। और हाँ, जो भी नए सब्सक्राइबर हैं, जो भी न्यू कमर्स हैं यहाँ पे, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज वो सब्सक्राइब कर लें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी हिट कर दें, ताकि आपके पास मेरी वीडियो सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज। टिल देन, बाय बाय।